मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ, मैं भी कोई 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाला एक साधारण व्यक्ति हूँ, पर मैंने की ताकत वो देखी है कि बस मेरा दिल खींच के लाया। मैं आज 500 रुपये का काम छोड़ के जो है ना आज बाबा के दर पे आया घर से, मैं काम को जाड़ता। हमें इन बाबा पे इतना भरोसा है, कितना हमें खुद पे भरोसा नहीं है, हम वो करके चले जाते हैं। तो एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, 2 साल को कोविड की वजह से कवर्ड बंद रही है, अब की बार कितनी उम्मीद आपको लग रही है? अब की बार पूरी उम्मीद लग रही है, अब की बार बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ होगी। वैसे होती है यहाँ पे पहले भी है, लेकिन अब की बार कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि मैं साइकिल पे आ जाऊंगा। तो मेरे पे पैसे भी नहीं थे, मेरे पे आज मैंने 100 रुपये भी नहीं थे, मैंने भाई से 200 रुपये मांगे, इसने मुझे खड़ दिए। तो आज जो मेरे को बाबा खींच के लाया ना, ये मैं बाबा के दर्शन करने के बाद जो मैं धन्य हो गया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवरेस्ट 24 न्यूज, मैं हूँ आपके साथ अंकुश राठी, और आज हम पहुँचे हैं पूरा महादेव पर। पूरा महादेव पर जो कावड़ चलने से पहले की तैयारी, यहाँ पर मेले की तैयारी यहाँ पर चल रही है, और आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ की तैयारी इतनी जोरों शोरों से चल रही है, और 5-6 दिन अभी बाकी बचे हुए हैं, और यहाँ पर जो शिव भक्त पहले ही आए हैं तो इनसे बात हम करते हैं। तो क्या नाम है? मेरा नाम सर सुंदर है। कहाँ से आए हो? हम आए मेरठ मल्याना फाटक है, वहीं से आए। तो अभी जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर आए या सुविधा वगैरह कैसी चल रही है? हमें इन बाबा पे इतना भरोसा है, कितना हमें खुद पे भरोसा नहीं है, जो इनकी जो हमें खींच के लाते हैं, जिनके हम दरबार पे आज हम खड़े हैं, और हम आप दुनिया को जागृत कर रहे हैं, मतलब कि जागरूक कर रहे हैं कि मतलब कि टीम इंडिया न्यूज की तरफ से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बाबा हैं, जो बाबा भोलेनाथ अंदर बैठे हैं, अगर किसी व्यक्ति ने ज़्यादा नहीं सावन के सिर्फ 4 सोमवार सुबह खाली पेट दर्शन कर लिए ना, तो 4 सोमवार में उसका बेड़ा पार, उसका काम कैसा भी कैसा हो रुकने का नहीं है। इनकी जो ताकत, जो इनकी वो है क्षमता, मैंने खुद देखी है, मेरे बीती भी है। मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ, मैं भी कोई 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाला एक साधारण व्यक्ति हूँ, पर मैंने इनकी ताकत वो देखी है कि बस मेरा दिल खींच के लाया। मैं आज 500 रुपये का काम छोड़ के जो है ना आज बाबा के दर पे आया घर से, मैं काम को झाड़ता। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं मानना। मैंने भाई को फोन मिलाया, ये मेरा भाई है, इसका टेनिस बॉल का काम है। मैंने कहा जितेंद्र भाई, मैंने कहा वहाँ चलोगे? कहाँ? मैंने पूरा महादेव, तो ये कह रहा हूँ मैं 10 मिनट में बताऊँगा। मैंने कहा यार देख ले, नहीं तो मैं साइकिल है मेरे पे, मैं साइकिल भी आ जाऊँगा। तो मेरे पे पैसे भी नहीं थे, मेरे पे आज मैंने 100 रुपये भी नहीं थे, मैंने भाई से 200 रुपये मांगे, इसने मुझे खड़ दिए। तो आज जो मेरे को बाबा खींच के लाया ना, ये मैं बाबा के दर्शन करने के बाद जो मैं धन्य हो गया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मतलब कि मेरे बाबा के दर्शन हो गए बस। चाहे मेरी कितने दिन से आप आ रहे हैं? मैं यहाँ पे कम से कम 20 साल से आ रहा हूँ जी। 20 साल से लगातार आ रहे हैं? हाँ जी, बीच बीच में जब ये कहना लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पाए, नहीं तो हर महीने के पहले सोमवार में आने, क्योंकि हम देखो मजदूर आदमी हैं, काम करने वाले हैं, है नहीं, 400-500 रुपये कमाने वाले हैं, और वो झाड़ी छोड़े हैं तो थोड़ा जोर सा पड़ा है। तो हमने कोई हिसाब बना रखा है कि महीने में एक दिन आना अपने, जब महीना शुरू होगा, जैसे कि आज का नाम 4 तारीख में सोमवार है, तो ये ठीक है जी। तो हम साधारण इंसान हैं, हम तो बाबा से ये दुआ माने कि बाबा बस हमें तू इतना दियो कि किसी का जो हमने ले रखा है ब्याह शादी में उसका चला जा, और अपने घर की दाल रोटी चल जा, सिर्फ ये दुआ माने हमने तो बाबा से, और हम कुछ नहीं बाबा से मांगते, क्या नहीं। तो अभी आपने देखा यहाँ पर जो शिव भक्त है, इतने तादाद दूरों से शिव भक्त आ रहे हैं, और अभी यहाँ पर जो भंडारा अभिषेक शुरू हो रहे हैं, अभी आपको हम दिखाने वाले हैं जो यहाँ पर भंडारे की तैयारी यहाँ पर चल रही है, और किस तरीके से भंडारा और किस लिए भंडारा किया जा रहा है आप देख सकते हैं। भंडारे में क्या है? ये भंडारे में ये थी खिचड़ी है चावलों की। कितने दिन अभी बाकी बचे हैं, कितने दिन पहले भंडारा शुरू कर दिया आपने? हमने तो अभी पूरा एक हफ्ता पड़ा है, मतलब सावन तो अभी 3-4 दिन बाद स्टार्ट होगा, लेकिन हर जो इसके है ना सोमवार के जो 4 सोमवार है वो तो सावन के 4 सोमवार तो ज़्यादा ही बेस्ट हैं बिल्कुल। यहाँ मतलब हम तो बहुत मन से और इच्छा से आते हैं यहाँ पर,
बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को शांति मिलती है यहाँ पर कुछ भी बांट के या इस बार कर रहे हैं या हर साल यही? देखो ये तो कुछ नहीं कह सकते हम कि हम क्या करते हैं, लेकिन ये जितना हमसे बनता है उतना कुछ भी करके चले जाते हैं। हाँ जब भी मतलब साल में एक बार दो बार छः महीने में जब भी हमारा मतलब कुछ भी जितना हमसे बनता है हम वो करके चले जाते हैं। तो एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, दो साल को कोविड की वजह से कावड बंद रही है, अब की बार कितनी उम्मीद आपको लग रही है? अब की बार पूरी उम्मीद लग रही है, अब की बार बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होगी, वैसे होती यहाँ पे पहले भी है लेकिन अब की बार कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हर कोई भाई हम खुद अपने आप को लेते हैं कि हम दो साल से नहीं गए हरिद्वार, तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि अब की बार जरूर जाएंगे, तो अधूरा सा लगता है बहुत कि बाबा के दर्शन करे हुए बहुत दिन हो गए कि जाना चाहिए, तो अब की बार बहुत ज़्यादा जी जी बिल्कुल अब की बात बहुत रस होने वाला है, हमें मतलब सोच के ऐसा लगता है यहाँ पर हर साल जैसे रहता है उससे बहुत ज़्यादा बेटर होगा शायद यहाँ पर ऐसा। हाँ जी हाँ जी। तो अभी आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, यहाँ पर मेला जो मेले की यहाँ पर तैयारी चल रही है, यहाँ पर मेले की तैयारी इतनी जोरों से चल रही है, ये बच्चों के खेल खिलौने की अभी बाहर के मेल जो पूरा महादेव का मंदिर है इसके सामने की बाहर की दुकानें अभी यहाँ पर लगी हुई है, अंदर की अभी तैयारी अभी कम तैयारी शुरू हुई है, अभी पाँच दिन बाकी है, पाँच दिन के बाद अभी यहाँ पर बहुत जोरों शोरों से तैयारी चलने वाली है।